गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? यू आर फाइन? ओपन योर हिंदी सेकंड बुक। सभी बच्चे अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन करेंगे। इसमें आप ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 13 क्रिया विशेषण, पेज नंबर 79 है आपका। इसमें चैप्टर नंबर है आपका 13। क्रिया विशेषण, सीडब्ल्यू रेड डालेंगे सब बच्चे। आज मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगी। क्रिया विशेषण, इसको हम इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं। देखो, पढ़ो, समझो और चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दो। सबसे पहले आपका इसमें दिया हुआ है सब्जी वाला सुबह आता है, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, खरगोश तेज दौड़ा, मोटू बहुत खाता है। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त सुबह, ऊपर, तेज और बहुत शब्द अपने साथ आई क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। कौन से शब्द बता रहे हैं विशेषता? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की चार प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे समय संबंधी विशेषता, कालवाचक क्रिया विशेषण। कुछ क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे आजकल, सुबह, शाम, अभी, जब आदि। तो ये कैसी विशेषताएं हैं? समय संबंधी विशेषताएं, क्योंकि इसमें आजकल, सुबह, शाम, अभी, जब, तो इसमें क्या मतलब क्या शो हो रहा है? समय शो हो रहा है ना? तो ये समय संबंधी विशेषता है। स्थान संबंधी विशेषता यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कुछ क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे नीचे, ऊपर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। नेक्स्ट है आपका इसमें रीति ढंग संबंधी विशेषता यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग के बारे में बताते हैं, जैसे धीरे, तेज, जल्दी, अचानक, ध्यानपूर्वक आदि। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? रीति और ढंग बताया जा रहा है। तो ये क्या हुए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मात्रा संबंधी विशेषता, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा, परिमाण के संबंध में बताते हैं, जैसे कम, ज़्यादा, काफ़ी, अधिक आदि। क्रिया के साथ क्रिया विशेषण की पहचान, क्रिया के साथ कब लगातार लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे रमेश प्रतिदिन घूमने जाता है। प्रश्न, रमेश कब घूमने जाता है? उत्तर है इसका प्रतिदिन। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे रमा ऊपर बैठी है। प्रश्न क्या है इसमें? रमा कहाँ बैठी है? तो कहाँ पर बैठी है रमा? ऊपर। ठीक है, क्रिया के साथ कैसे लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे वह अचानक आ गया। प्रश्न, वह कैसे आ गया? अचानक, कैसे आया? अचानक। क्रिया के साथ कितनी, क्रिया के साथ कितना या कितनी का प्रयोग करके देखने से जो उत्तर मिलता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे पहलवान बहुत खाता है। प्रश्न है आपका इसमें, पहलवान कितना खाता है? उत्तर है बहुत। नीचे आएंगे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे राम सुंदर है, राम संज्ञा शब्द की विशेषता का बोध करा रहा है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे राम सुंदर लिखता है, तो राम जो है वो कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। लिखता है क्रिया शब्द की विशेषता का बोध हो रहा है। अन्य उदाहरण, उसके पास कम रुपए हैं, रुपए संज्ञा की विशेषता का बोध विशेषण। वह कम खाता है, खाता है क्रिया की विशेषता का बोध क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका चाकू तेज है, घोड़ा तेज चलता है, चाकू संज्ञा की विशेषता को बोध विशेषण।
घोड़े के चलने की क्रिया की विशेषता का बोध क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, कार्य के होने के समय का बोध, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कार्य के होने के स्थान का बोध जिसमें कराया जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कार्य के होने के ढंग का बोध, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कार्य के होने के परिमाण का बोध। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर होता है। संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। इसके फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले आप, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। सभी बच्चे अपने नोटबुक ओपन करेंगे। प्रश्न नंबर है आपका इसमें एक, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
इतने तक आप इसको लर्न करेंगे और चैप्टर भी अच्छे से आपसे